बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई ज़ियाद। आज की न्यू वीडियो में मैं आपके साथ हूं। आज की वीडियो में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आज की वीडियो में हम ना अपने बर्ड्स को ना सॉफ्ट फूड देंगे, उस जो है ना उनको पालने के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए। हां, वो करो ना, मेरी तरफ ले आओ जी। अब मैं बाबा आपको दिखाते जाएंगे, हम आपको दिखाते जाएंगे और बताते जाएंगे सॉफ्ट फूड के बारे में। हमने जो ये करा है सारा बाबा बताते जाएंगे किस तरह करा है, हमने कैसे पकाया और क्या किया है। दोस्त आए, हाँ, ये सॉफ्ट फूड है। आज हम जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है सॉफ्ट फूड, और जिस वक्त ये बच्चे वगैरह निकल आती हैं ना, तो इनको एक्स्ट्रा खुराक की ज़रूरत होती है दाने वगैरह से हट के ना, और ऐसी खुराक जो नरम गिज़ा होती है और बच्चों के लिए जो है ना वो बेहतरीन होती है। तो आज हम ये देखेंगे, हमने चने, गंदम, मूंग और मकई ये जो है हमने तैयार की दी है। ये 24 घंटे की है और वो हम डाल रहे हैं इनको। ये देखें, जैसा कि हमने आपको पहले लबड़ के बच्चे भी दिखाए थे और उनके लिए ये देखिए हम बना रहे हैं, और ये बना के हमने फ्रिज के ऊपर ना वो डाल दीजिएगा प्लास्टिक प्लेट में से पहले सारे। और ये देखें जी, ये बच्चा जो है ये बच्चे हमारे, ये देखें माशाल्लाह से कैसे दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं। ये पकड़े हमजा भाई, मैं आपको मजीद बच्चे भी दिखाता हूँ। ये तो बहुत बड़े हो गए हैं बच्चे भाई, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। ये देखें काटेगा ये देखें जी, हमारे बच्चे ये बेबी वेल ग्रो हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें, और हम आपको तीसरा बच्चा भी दिखाते हैं। तीसरा ये चक्कियां मार रहा है। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हैं ये। रेड आईज हैं ये देखें, ये हमजा भाई के उस पे बैठ गए, मेरा भी रेड आईज है। ये देखें, ये हमजा भाई की शोल्डर पे बैठ गए जी। देखें जी, देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारे हमजा भाई। देखना कहीं वो पानी में ना गिर जाए भाई, ये पकड़ लिया। ओए काट रहा है। छोड़ भाई, छोड़ दो। मैं छोड़ ही नहीं रहा है हमजा भाई को, उसने बहुत जोर से हमजा भाई को पकड़ लिया है। बहुत प्यारा है भाई। ये पोटी भी कर दी भाई, मारो मुझे मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। हमजा भाई ये लाओ भाई, ये छोटी है, पोटी कर दी, वो कर दी, पोटी कर दी, पोटी कर दी। हाँ, किधर है, किधर की है यहाँ भाई, नहाना पड़ेगा। वो की है, नहीं मजाक कर रही है। साथ में उनका जो है वो गंद भी साफ करती है, ताकि जो है ना ये बीठे वगैरह करते हैं, जो बड़े होते जाएंगे ये ज्यादा करते जाएंगे। हमारे इस खाने में भी आपको मोस्टली दिखाया था कि अंडे बच्चे काफी ज्यादा हमारे पास माशाल्लाह से निकले हुए हैं। इसी तरीके से हम ये दूसरा है, इसको भी हम डालेंगे, और इसके तरह ये हमारे पास ये तीसरा है, इसमें भी बच्चे हैं। अच्छा, जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया था, इसके अंदर भी दो बेबी हैं जी। ठीक है, एक जो भाई सब खोलते हैं, ये देखे माशाल्लाह, थोड़े छोटे हैं मगर बच्चे प्यारे हैं। ये देखे बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। जावा का क्या हो रहा है? जावा की भी ब्रीड हमारे पास चल रही है, हमारे तीन फार्मों में जो है वो जावा के बच्चे आ चुके हैं, वो अंडे आ चुके हैं। एक इसमें अंडे आए हुए हैं, एक वो ब्लैक वाले में और एक वो पर्पल वाले में अंडे आ रहे हैं। ये अपने अंडों पे बैठती नहीं है, ये अपने अंडों पे बैठी नहीं है ना, कभी मेल ड्यूटी देता है, कभी फीमेल ड्यूटी देती है, तादाद ज्यादा है ना उनकी। माशाल्लाह, इसलिए जो है ना कितने पेड़ है जावा के हमारे पास? मेरे ख्याल से 7-8 पेड़ है। 7-8 कर रही है, दिखाता हूँ आपको। ये इसके हमारे पास 7-8, सिर्फ एक कम है बाबा, तो एक 7-8 में से एक बेटर है। मैं एक आईडी बता रहा हूँ, ऐसे गिने भी नहीं है कि कितनी है। आई थिंक मैं एक आईडी भी बता रहा हूँ, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कितने पेड़ लेके आया था। माशाल्लाह से हमारी जावा भी ब्रीड कर रही है,
हमारी डब भी ब्रीड कर रही है। डब भी दिखाई आपने इनको जी, व्यूअर्स को दिखाई आपने डब, डब डब भी हमारी सारी अंडों में बैठी है, जितनी भी हमारे पेड़ है सबसे ऊपर दिखाओ वो बैठी हुई है। और एक ये अंडा एक उतार दिया जी, दो अंडे हैं। ये डरती बहुत है, ये डब बहुत डरती है। हाँ ये इतना फड़फड़ाती है, पर्पुर निकाल देती है अपने। हाँ बस ऐसे ही है इनका ना। और ये क्या नाम है ये किस लिए देते हैं आप ये सॉफ्ट फूड? ये सॉफ्ट फूड इसलिए देते हैं ना कि बताया आपको नरम ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि बच्चों के मैदे भी कमज़ोर होते हैं और बच्चों को नरम ग़िज़ा दी जाती है, सख्त ग़िज़ा वो हज़म नहीं कर पाते, अभी मैदे जो है ना वो इतने ज़्यादा सख्त नहीं होते, जानदार नहीं होते, इसलिए नरम ग़िज़ा देते हैं जो खाने में भी नरम होती है और ज़ूद हज़म होती है, बच्चे आसानी से उसको ना डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए जो है ना इनको सॉफ्ट फूड दी जाती है। जब तक ये बाहर आकर खुद ना खाना पीना शुरू कर दें ना, उस वक्त तक दी जाती है। वैसे तो हम आम रूटीन में भी इनको सॉफ्ट फूड वगैरह देते हैं, जैसे अंडा डबल रोटी है, खाली अंडा बॉयल्ड एग है, या उसके साथ रस के साथ या डबल रोटी के साथ, तो वो भी देते हैं, उसमें विटामिन्स वगैरह डाल के भी देते हैं, मगर बच्चों के दिनों में खास तौर पे ना ये देना पड़ता है इनको जी। हमने आज का दे दिया इनको, इसलिए हम ये तैयारी कर रहे हैं, देखें वो आज ही भिगो देंगे हम। ये हमारे पास ड्राई है, ड्राई हमारे पास ये गंदुम है। ये सनकनोर का कब तक आएगा? सनकनोर का बस कोशिश कर रहे हैं, एक जगह से हमें पता तो चला है कि एक जगह दो फीमेल्स अवेलेबल हैं और वो काफ़ी देर की जो है वो फोल्ड हुई नहीं है, नर उनको नर नहीं है उनके साथ भी, जैसे इसके साथ मादी नहीं है, तो उम्मीद है कि अगर जो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हम जल्द इंशाल्लाह आपको खुशखबरी सुनाएंगे कि सनकनोर की फीमेल भी आ गई है, और फिर इसकी ब्रीडिंग के लिए कोशिश करेंगे। खैर तजर्बा तो है, एक्सपीरियंस तो है, बाकी हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है, जब अल्लाह ताला चाहती है उसी वक्त ही ब्रीड होती है, उससे पहले तो हो नहीं सकती है। तो इसलिए एक आज सनकनोर की फीमेल की बात करके आए हैं, एक हमारे पास ज़ेब्रा में योमो है, योमो की फीमेल नहीं है, तो योमो की फ़ीमेल के लिए हम आज बात करके आए हैं। एक जगह दो फीमेल योमो की भी हैं, वो कह रहे थे कि हम नेक्स्ट संडे को गुजरा वाले से वो आनी है, नेक्स्ट संडे तक वो कह रहे थे कि जी हम आपको ला देंगे, तो उम्मीद है कि अगले संडे तक हमारे क्या नाम लेते हैं योमो की फ़ीमेल भी आ जाएगी और मे बी सनकनोर की फ़ीमेल भी आ जाएगी। तो बाबा ये हमें इसका प्राइस बता दे कि ये सनकनोर का कितना प्राइस है, ये वैसे पूछ रहे थे। वैसे सनकनोर की प्राइस तकरीबन जो अच्छा पेयर ब्रीडर पेयर है वो 1,00,000 रुपए तक का आता है, बाकी मार्केट में इसकी मुख्तलिफ प्राइस है, यानी कि 80,000 से लेके और 1,00,000 रुपए तक का। तो ये हमारा ब्रीडर है, हमारे हमने ब्रीडर पेयर ही लिया था, बस अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी हमारी फीमेल एक्सपायर हो गई है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मज़ीद इससे कोई बेहतर ही देगा, तो पेयर तो ये ब्रीडर ही था जी। शुक्रिया। चलें दोस्तों, जो मैंने ना वैसे जो आज का मैंने सोचा था ना कि मैं कहता था कि ये बच्चे जो है ना, ये वैसे सॉफ्ट फूड का भी हो गया ना, तो ये वैसे जो हमारे पास बच्चे हैं ना इतने ज़्यादा, ये देख रहे हैं आप इतने ज़्यादा बच्चे हैं हमारे पास, इसमें ब्लू के भी हैं, इनके अलावा भी हो रहे हैं मैं, तो चल नीचे चलते हैं और एंड करते हैं अपने ब्लॉग को थोड़ा सा, और मैं आपको दिखाता हूँ हवा बहुत तेज़ चल रही है आज, हवा बहुत तेज़ है, चलें नीचे चलते हैं जल्दी से। हाँ जी चलें, अंधेरा फूल है, ध्यान से जाना पड़ता है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखे कितना प्यारा है इधर, आपको मैं बहुत देर बाद लेके आया हूँ इधर इधर, माशाल्लाह लाइटें भी ख़राब हो गई, कुछ लाइटें भी ख़राब हो गई, हवा एक साल हो गई गया हमारे इस सेटअप को, बच्चा देखे कांप रहा है, यह देखिए ये वाला हुँ? ये वाला बच्चा कांप रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कांप रहा है। बर्तन निकालो यार, नए बर्तन लेके आए हैं वो भी निकालो, और माशाल्लाह जो बच्चे ना इतने ज़्यादा आ गए हैं, और आजकल ना जो हीटर है वो नहीं चल रहा, इसके बगैर ही टेम्परेचर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सही जाता है, बर्ड्स बहुत खुश नज़र आते हैं, 19 तक नीचे जा रहा है, 25 तक आ जाएगा ना ये माशाल्लाह से, जो ये बच्चे हैं ना माशाल्लाह न्यू एंट्री हो गई हैं जी, ये वाह बहुत प्यारे हैं, इतनी बड़ी कैप्सूल है, और ये इनका कोई है ये क्या चीज़ है, ये भी ज़रा तुम पर वो तोड़ने हैं, मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं। ये कंफर्म करके टीका ये किस चीज़ के लिए लगा? और ये टांगने के लिए लगा। अच्छा
और हम आपको तो कितने बच्चे हैं। अब मैं आपको जो दिखाना था ना, अब ये ग्रीन ग्रीन है ना, अब यहाँ से हम जब लाइट मारेंगे आपको नजर आएगा कि ग्रीन ग्रीन कौन से हैं। ग्रीन ग्रीन का मतलब जो है ना, ग्रीन ग्रीन का मतलब है कि इनमें बच्चे हैं। अभी हमने आपको इतने ऊपर सारा बच्चे दिखाए हैं, मौसम सही हो गया, अगर मौसम सही रहेगा और बच्चे माशाल्लाह से इस दफा के नुकर में अंडे हैं, अंडे हैं, ये अंडे हैं, ठीक है, ये नुकर में अंडे हैं, यहाँ पे अंडे हैं और यहाँ पे भी अंडे हैं, यहाँ पे भी अंडे, यहाँ पे भी अंडे हैं, यहाँ पे भी अंडे, यहाँ पे बच्चे हैं। को बच्चे दिखाओ ना, ये दिखने यहाँ पे बच्चे दिखाने, बच्चे हैं। अब देखिए यहाँ पे घंटिया का बच्चे निकलेंगे, यहाँ पे माशाल्लाह से बच्चे हैं दो, एक बंगलाइज का, कोई दिखाओ ये देखें, लाइन से तीन चार बॉक्सों में मुझे लग रहा है लाइन से, ये चार बॉक्स आपको दिखाएंगे, ये भी इसमें भी बच्चे अंडे, इसमें भी प्रूफ कर देते क्या है, माशाल्लाह से एक बच्चा है। ओ थोड़ा सा ना बच्चे को उसने धक्का दे दिया, ऐसा ना हो के बच्चे को अभी धक्का देते हुए निकला हुआ है, अभी अभी सडनली नहीं, थोड़ी सी देर हो गई है, क्या है। तो ये लाइन से तीन आपको दिखा देते हैं और फिर हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो ZHCOM की ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें और माशाल्लाह से बच्चे देख लें। जी दोस्तों, आज की वीडियो थी हमारी यहाँ तक, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलने कल इंशाल्लाह आपको नई वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हमारे बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो भेजें पोस्ट करें तो आप तक पहुँच सकें और आप देख सकें, और हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। 160 सब्सक्राइबर हो गया, मैंने कंग्रेचुलेशन की थी कि हमारे 160 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो थी हमारी यहाँ तक, अल्लाह हाफिज़।